रामायण में आज देखिए कि कैसे श्री राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी पार करके वन में दाखिल होंगे। हे गंगा मैया, मैं अपने पति और देवर जी के साथ वन में जा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए मैं पति और देवर जी के साथ सकुशलता पूर्वक वन से लौटूं और आकर आपकी पूजा करूं। केवट उनको छोड़ेगा और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हुए वो अपना वनवास शुरू करेंगे। वो रहा महर्षि भारद्वाज का आश्रम। ऋषि मुनि से आशीष अब चाह रहे रघुराज। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम। तुम चित्रकूट पर्वत पर जाओ, वहां अनेक साधक और तपस्वी अपनी अपनी साधनाओं और तपस्याओं में लीन रहते हैं। वह स्थल तुम्हारे लिए उपयुक्त है। अच्छा मित्र, हमें जाने की अनुमति दो। नहीं प्रभु, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपकी सेवा करूंगा प्रभु, मुझे छोड़कर बच जाइए। निषाद राज, उधर अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ है। महाराज दशरथ की तबीयत खराब है, कौशल्या उन्हें सांत्वना दे रही है। सुमंत अभी तक राम को लेकर लौटा नहीं। होश में हो या बेहोशी में, हर पल राम को पुकारते रहते हैं। मेरा राम आएगा कौशल्या, मुझे सुमंत पर पूर्ण विश्वास। वो मेरा मंत्री नहीं, मेरा मित्र, मेरा हितैषी भी है। मेरी आज्ञा वो कभी नहीं टालेगा। वो राम को लेकर अवश्य आएगा कौशल्या, मेरा राम आएगा कौशल्या, मेरा राम। कहाँ रह गए राम सिए, दुख में तन सुख देने। प्रश्न सुमंत्र से पूछते, एक संग सासाने। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता को छोड़कर खाली रथ वापस अयोध्या पहुंचा, तो अयोध्या वासी बहुत दुखी हुए। आपके साथ राम, जानकी, लखन थे, वो कहां गए? आप उन्हें वन में छोड़ा है क्या? आपका मन कैसे हुआ उन्हें वन में अकेले छोड़ाने का? कहीं आप भी महारानी कैकेयी के षड्यंत्र के साथ ही तो नहीं है? सब धर्मों का सार है। उधर वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण नए नए लोगों से मिल रहे हैं। मुनि त्रिकाल दर्शी जहां तहां पहुंचे राम। हे रघुनंदन, आपकी विनम्रता धन्य है। आप तीनों चित्रकूट पर निवास कीजिए और सब उनकी इस यात्रा में उनके साथ हैं। चित्रकूट में आ गए राम लखन से साथ। स्वागत करने देवगण बन गए भील की रात। जय जय कांतानाथ। उधर अयोध्या में छोटी रानी केकई और मंथरा खुशियों के दीपक जला रही हैं। जलाओ जलाओ महारानी, खुशी के दीपक जलाओ, घी के दीपक जलाओ और अपने मन से संदेह का अंधकार दूर भगा दो। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई मंथरा। सुमंत अकेला ही लौटा है। मैं कहती थी राम नहीं लौटेगा, वो नहीं लौटा।